हेलो दोस्तों, हाय हाउ आर यू, कैसे हम सभी, आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बेस्ट चारा लेके आ गए हैं रोहू कतला मछली के लिए। आप देख पा रहे होंगे, रोहू मछली और कतला मछली का चारा बिल्कुल अचूक चारा है दोस्तों। एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा। और गर्मी आने वाली है दोस्तों, अभी आगे कुछ दिनों में गर्मी शुरुआत हो गई है, तो इस प्रकार के मौसम का जो चारा है वो आज हम आपको लिए लेके आए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आधे लोग क्या करते हैं, वीडियो को कम देखते हैं, पूरा नहीं देखते हैं और स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि वो जो ट्रिक है वो क्या बताइए। आप ये देख पा रहे होंगे, इसमें हमने तीन चार चीज़ें ली हैं। एक है अंडा दोस्तों, मुर्गी का अंडा, और ये देख पा रहे हो मुर्गी का अंडा है दोस्तों। ये इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है आपने, क्योंकि मुर्गी का अंडा जो है बेस्ट बना देता है दोस्तों। और ये है सिंपल ब्रेड, जो आप दुकान से भी मिल जाता है दोस्तों। ये सिंपल ब्रेड है, ये पार्ले का बिस्कुट है। पार्ले के बिस्कुट 5 रुपये के मिलते हैं, आपको दुकान से मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाता है दोस्तों। 5 रुपये का एक पैकेट लेके आना है। ये गेहूं का आटा है दोस्तों, आपके घर में ही गेहूं का आटा है दोस्तों, उसका इस्तेमाल करना है हमने। और इन चार चीज़ों का इस्तेमाल करके हम बहुत ही बेहतरीन चारा बनाने वाले हैं। अब क्या करना है, हमें बिस्कुटों को भोर लेना है दोस्तों, बिल्कुल बारीक कर लेना, अपने हाथ से ही भोरना है, बिल्कुल बारीक बना लेना है बिस्कुटों को। और बारीक बनाने के बाद जब आप इसमें आटा और ये ब्रेड का जो इस्तेमाल करोगे, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जिस प्रकार से ये मिक्सर हो जाए और पता ही ना लगे कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है। तो हाथ से ही भोरिएगा। ये देखिए, मैंने बिस्कुट जो है वो बिल्कुल बारीक कर लिया, अपने हाथ से ही करें दोस्तों। और एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत भी होगा आपको देखने में, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं पूरा व्यू आपको दिखा पाऊँ। एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, और दूसरे हाथ से मैं आपको ये चारा बना करके दिखा रहा हूँ। तो आई होप आप भी ध्यान से देख पा रहे होंगे। और इस चारे का इस्तेमाल करके आप बड़ी से बड़ी रोहू कतला मछली का इस्तेमाल जो शिकार आसानी से कर सकते हो। अब हम इस बिस्कुट में क्या मिलाएंगे दोस्तों, आटा, जो आटा लिया है अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, और ब्रेड को भी इसी में मिला करके। ये देखिए, मैंने थोड़ा स्पीड कर दिया गया है, और स्पीड करने के बाद ये देखिए, अभी यहाँ पर हम इसमें क्या डालेंगे, अंडे का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। ये देखिए, अंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। अंडा क्या है, अंडा मछली के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है दोस्तों, और अंडे से सुगंध होती है, जिसके कारण मछली आपके चारे की तरफ आकर्षित होती है। धुंधला गंदला पानी हो, कैसा भी पानी हो, उस पानी के अंदर जो है, आप जब भी अंडे का इस्तेमाल करके अपने चारे को लेकर के जाओगे तो आसानी से शिकार कर पाओगे दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार की जो ट्रिक है वो आपको कोई नहीं बताने वाला। और बिल्कुल आसानी से गूंथ लीजिएगा, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है ऐसे गूंथ लीजिएगा, और बिल्कुल टाइट बना लेना है दोस्तों। पानी नहीं डालना है, ध्यान रखना है पानी नहीं डालना है, अंडे से ही ये आपका जो है टाइट हो जाएगा, जिस ये आप देख पा रहे होंगे अंडे से ही हुआ है, और जो बच गई वो चराई है दोस्तों। और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों, बड़ी से बड़ी रोहू, हमने भी रोहू मछली पकड़ा है, आप देख भी सकते हो। ये देखिए वीडियो के अंदर रोहू फंसा है दोस्तों, चारे की तरफ एट्रैक्टिव होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।